मैं तो योगी सरकार को बहुत सर्वश्रेष्ठ सरकार मानता हूँ कि कितने माफियाओं को उन्होंने अंदर कर दिया है। मैं उनसे यही उम्मीद रखूंगा कि इसमें सच्चाई तो हम लोग खुद बता रहे हैं, अगर आपको सच्चाई चाहिए मोदी जी तो एक बार जांच करवा दीजिए और वहाँ कंपनी के सीसी कैमरा और अफ्ताब से मिल करके ये छानबान कर दीजिए। दोस्तों देख लीजिए एक बार, पीछे घर दिखा दीजिए, देख सकते हैं बहुत जो कि गरीब परिवार से लोग बिलोंग करते हैं। और इनका आपका बेटा, मतलब बेटे मेरा इकलौता ही पुत्र था, हमारी तीन बेटियां जो दो बेटी शादी कर दी है, एक बेटी है तो बेटे अभी बोला था कि भाई हम कमाएंगे अगली बार साल दो साल के बाद उसका शादी कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि हम उस लड़के के पिता के पास मौजूद हैं जिनका घटना जो कि दिल्ली में हुआ था, और आप लोग जैसे बयान सुने हैं कि लड़की क्या क्या अभी हमारे चैनल पर बोल कर गई है पिछला वीडियो में, चलिए हम इनसे बात करते हैं और इनकी क्या समस्या है, इनका क्या सपोर्ट मिला है पुलिस प्रशासन से और आगे क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, और इस घटना पर हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे। हम इसके मामले में यही कहेंगे कि उन्होंने जो शादी के बाद प्रेम दर्शाया है इनके मम्मी पापा ने, वो एक जाल था। और कंपनी में जो ठेकेदार आफ्ताब नानू भगत कंपनी में जो ठेकेदार हैं, उन्होंने ये जाल षड्यंत्र हमारे लिए बिछाया था जिसको हम और हमारे बच्चा जो है समझने नहीं पाया। इस प्रेम जाल में फंस करके हमारे लड़के को उन्होंने आफ्ताब अंसारी जो वहाँ पर नानू भगत में सुपरवाइजर हैं, वो लड़की के पापा वापा से मिले रहते हैं और उन्होंने ही किराया भेज करके और हमारे लड़के को जो है वहाँ पर बुलवाए और आखिरी दिन जिस दिन उनको हमारे लड़के को दीपावली में आने का प्लान था, वो आने के लिए बोला है तो वो गुस्सा में होकर के उनका हिसाब करके और आज रात रुकने का बात बोले हैं। आज रात रुक जाने पर वो इनके मम्मी पापा को खबर कर देते हैं और मम्मी पापा जो है अपने ये अनीता देवी और सुधीर सिंह जो तरावड़ी में ही रहते हैं वार्ड नंबर 5 में, इन्होंने बहुत बड़ा जाल बचा करके जो पहले से ही वहाँ पर बहुत माफिया टाइप के हैं, ये अनीता हॉस्पिटल में भी काम कर चुकी हैं, पापा थाने के कुछ समझते ही नहीं है पैसे के बल पर। इन्होंने इनका मामहर पड़ता है लड़की का गोपाल नगर में, जो वहाँ पर बहुत ही खूंखार एक मनीष सिंह नाम है उनका, जो अनीता देवी के भाई लगते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो लड़की का घर कहाँ पर पड़ेगा? लड़की का ननिहाल पड़ेगा गोपाल नगर। अच्छा गोपाल नगर, गोपाल जो हमारे पास लड़की आई है हमारी बहू बन करके, इसका ननिहाल गोपाल नगर है। अब मतलब रहते हैं वहाँ पर, वहाँ पर दिल्ली के ही सुधीर सिंह है, उनके साथ में वो दूसरा शादी किया है, पहले तो शादी 7 बार हुई थी वो छोड़ करके चली गई है, वहाँ जा करके सुधीर सिंह से शादी की है और वही हरियाणा में ही रहती है। ये लड़की जो है बचपन से ही हरियाणा में ही रही है, वहाँ हमारा लड़का रिलेशन में गया था, वहाँ पर काम करता था प्रेम प्रसंग में हो करके, उनके लड़के माँ बाप ने खुशी से शादी कर दी थी। शादी करने के बाद वो लोग ट्रेन में बहुत प्रकार के गुंडे भी भेजे थे, वीडियो बनवाए थे, लेकिन लड़का किसी तरह से बचते बचाते बलिया तक आ गया, हमारे घर तक आ गया, उसके बाद ये घर में आकर के। और अच्छा एक बात बताइए, वीडियो बनवाने का क्या मकसद उन लोग का था, उनके मतलब आपके बहू के परिवार जो पापा मम्मी है उनका क्या मकसद था वीडियो बनाने? उनका वीडियो बनाने का प्लान यही था कि वो जिस गेंडो को सुपारी दिए थे उसको दिखाना पड़ेगा ना कि मैं इस बोगी में बैठाया हूँ। अच्छा। ये है ऐसा चेहरा है, वो सब वीडियो कॉल पर बनाई तभी तो दिखाएगी। तो इस प्रकार के सब उन्होंने किया वहाँ दिल्ली स्टेशन पर। शादी कहाँ हुआ था, यहाँ पर हुआ था कि वो शादी? वो अपने ही घर हरियाणा तरावड़ी में ही मौजूद थे उस समय? मौजूद नहीं, वो हमारे पास फोन किए थे कि तुम्हारा लड़का हमारे यहाँ रहता है लेकिन बहुत गलत ढंग कर दिया है और ऐसा है कि अब हम उसको छोड़ेंगे तो यहाँ से उस लड़की को लेकर के जाएगा तब ठीक है, नहीं तो हम लोग उसको मार काट करके यहाँ पर दफना देंगे। हमने कहा कि देखिए ऐसा मत कीजिए, अरे हाथ गोड़ तोड़ दीजिए, मार कर करके तोड़ दीजिए, दो दादा और मारिए, लेकिन उसको भगा दीजिए वहाँ से,
शादी वादी का ऐसा कोई बात मत कीजिए। मतलब आप उस समय मना किए थे कि हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, शादी मत कीजिए, मतलब आने दीजिए। आने दीजिए, मैंने बहुत, मेरे साथ बहुत भी ऐसे सबूत हैं जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट में काम करते थे, आकर के सुनने लगे कि प्रेम जी के ऊपर में क्या परेशानी आ गई। तो उनके पिता ने हमको धमकी दी कि भाई जाएगा लड़का तो यहाँ से लड़की को लेकर के ही जाएगा। उनका प्लान था कि ट्रेन में जा करके और ट्रेन में सुपारी दे देंगे, उधर उनका इलाका हमरवा देंगे। लेकिन ये सब करने से वहाँ सफलता उनको नहीं मिली। तो 6 महीने आकर के लड़का घर में आकर के और रहा, शादी के बाद। शादी के बाद उन लोगों ने भेजा तो यहाँ 6 महीना रहा, 6 महीना रहा। उसके बाद ये आफ्ताब जो नानू भगत कंपनी में ठेकेदार है, सुपरवाइजर है, ये सब मिल करके वो बताया भी वो इनके माता पिता की उसको किसी तरह से यहाँ पर बुलाओ, हम नहीं, हमसे नहीं आ रहा है तो आप बुलाइए कि हम उसका रिक्शा ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं। आओ, ठेकेदार ने ऐसा अच्छा, ही किया। आपके लड़के के साथ कौन कौन वहाँ पर रहते थे? हमारे लड़के के साथ में यहाँ से तो कोई था नहीं, लेकिन इस बार एक लड़का गया था साथ में। वो क्या बोला है इस घटना पर लेकर, वो कुछ आपसे बताया है कि मतलब कैसे कैसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? वो अगले वीडियो में अपना चेहरा दिखाते हुए ही बताया है कि जिस कमरे में सावन की फांसी की बात कही जा रही है, उस कमरे में फांसी लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। जहाँ की मैंने वो उस घर में घुसता था तो उसका सर छत में, यानी कि छत में छू जा रहा था, तो उसमें कोई फांसी लगाने की सिस्टम। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में क्या लिखा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो हमसे वहाँ का हॉस्पिटल बताया कि 21 दिन के बाद मिलेगा। अच्छा अच्छा, अभी मिला है कि नहीं? अभी नहीं मिला है, बहुत पैरवी करने के बाद यहाँ एसओ साहब ने बोले उनको कि भाई पीएम रिपोर्ट भेज दो, तो वो बोला कि ठीक है 2-4 घंटे में भेज दूंगा, ऐसा कह करके और अभी तक बिल्कुल खामोश। अब हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर हमको भगा दिया जा रहा है कि अभी नहीं आया है। अच्छा, अभी कितना कार्रवाई हुआ, आप अपने थाने से कितना संतुष्ट हैं? हम थाने के पास में बहुत ही गिड़गिड़ाए हैं, और लाश को दिखाने भी लेकर के गए थे वहाँ पर कि बॉडी को कम से कम देख लीजिए, ताकि इसमें हाथ में और पैर में, गले की हड्डियों पर किस प्रकार से कितनी चोटें आई हैं जो टूट टूट चुकी थी, और पैर में छिलने का निशान, नाखून का निशान, जबरदस्ती पकड़ने मारने पीटने का, मैंने तमाम निशान। हम लोग जब बॉडी जलाने के लिए गए तो हमारे गांव वाले देखे, उनके मित्र सभी लोग देखे। अब इसमें हम बहुत गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन ना थाना हमारा सुन सका, ना प्रशासन विधायक, हम कहाँ कहाँ दौड़े, लेकिन कहीं भी हमारा सुन नहीं। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे कि आपके बेटे को वहाँ मान लीजिए घटना का अंजाम दिया गया, तो आपके बहू यहाँ पर थी कि वहाँ पर थी? नहीं, बहू को छोड़ करके यहाँ पर गया था। अच्छा, छोड़ कर मतलब गए थे? हाँ, छोड़ करके गया था। ऐसा मतलब कोई वहाँ से ऐसा बोला था क्या कि आप सिंगल ही भेजिए? हाँ, वहाँ पर इनकी मम्मी बोली थी। अच्छा अच्छा। और मम्मी बोली थी कि यहाँ पर आओ भाई, जैसे शादी कर लिया तो लड़की को खुद कैसे रखेगा, कमाओ खाओ, ऐसा ऐसा बोल करके प्यार में उसको फुसला दिए थे कि भाई तुम आओ यहाँ पर कमाओ खाओ, ले जाओ कुछ पैसा, उसको भी खर्चा करो अच्छे से। मतलब आप ऐसा बोले थे कि आप इनको भी लेकर जाइए, मान लीजिए इनका घर वहीं पर है तो हो सकता है कि ज्यादा हेल्प मिल सकता है, पैसा भी कम लगता है उनका, तो कभी बोले थे कि आपको बहुत? लड़के ने हमारा बताया कि भाई पापा मैं जा रहा हूँ वहाँ पर काम करते करते, कहीं बाहर में रूम अच्छा था। मतलब जाने से पहले कुछ चर्चा ऐसा हुआ था कि मतलब हाँ अपने बहू को भी मतलब आप भेजेंगे, चाहे वो बोले थे कि आपके बेटे की हम लेकर इनको जाएंगे, ऐसा कुछ बोले थे? हाँ, बोले थे कि हम यहाँ से लेकर के जाएंगे, जब वहाँ पर हम कोई अच्छा सा रूम देख लेंगे रहने के लिए, जो परिवार रखने के लायक हो। कंपनी में तो रूम अच्छे तरह से नहीं है, वहाँ पर सब मजदूर रहते हैं। तो क्या वजह हुआ कि नहीं लेकर गए? यही वजह था कि मैंने वो भाई रूम वूम का व्यवस्था अभी नहीं कर पाए थे, और अफ्ताब जो पैसा दे दिया था 1000 रुपया भाड़ा भेजा था, तो भाई हम दीपावली में आना भी है, इस तरीके से हमको काम करना है कि कुछ बच भी जाए और उनका पैसा भी मेकअप 1000 रुपया हो जाए। तो बच्चा गया है, 15-16 दिन 20 दिन काम किया है, और अगली बार बोला है कि हम जाएंगे, तो जाने का नाम सुन करके ठेकेदार ने बहुत मना किया है, फिर भी लड़का माना ने बोला हमको जाना है। तो इतने ही देर में वो बोला कि हम अब कल तुम्हारा पैसा देंगे, रात में तुमको रुकना होगा। जिस रात में 27 तारीख को घटना हुई है, उस रात को ठेकेदार ने वहाँ पर रुका दिया, और रुका देने के बाद ये सब जाल लगा करके और सब अच्छे मौका पा गए। उसके रूम में अकेले वो रहता था, उसी मौका का फायदा उठाकर, पैसे का फायदा उठा करके, या नीता सिंह, सुधीर सिंह और मनीष सिंह, ये तीनों चारे जो चार लड़के गोपाल नगर से गए हैं मारने के लिए, उस कमरे में
पहले से ही मौजूद हो गए और लड़का जब गया है तो उन लोगों को जबरदस्ती अटैक कर दिया है और जबरदस्ती बैठा दिया है। अच्छा, एम्बुलेंस को जब वहाँ से एम्बुलेंस आया यहाँ पर आपके गांव में आया तो एम्बुलेंस वाले क्या बताए, कुछ बताए हैं? एम्बुलेंस वाले यही बताए कि हमें कंपनी से कोई लेन देन नहीं, कि हमारी गाड़ी को उसके पापा ही भेजे हैं, सुधीर सिंह। अच्छा, सुधीर सिंह उसके पापा ही। जी जी। पुलिस वुलिस का कुछ मतलब फाइल मिला था वहाँ से कुछ? पुलिस वाले बोले हम जो कुछ भी करेंगे पीएम से करेंगे, जबकि पुलिस वाले ने देखा होगा जरूर बॉडी निकालते हुए कि हाँ ये जो निशान है कम से कम ये बॉडी का निशान जो है देख करके अंदाज लगाना चाहिए कि हाँ इस लड़के के साथ। अच्छा, आपके देखने में क्या हो सकता है, उनका मतलब फांसी अपने आप लगाए हैं कि मतलब कैसे क्या किया गया है उनके साथ, आपके लड़के के साथ? हमारे लड़के साथ में फांसी नहीं, वो फांसी लगा ही नहीं सकता है, उसको जबरदस्ती नीचे गमछा से खींच करके बहुत लोग पकड़े हुए हैं, चार पांच जो नाम हम बताए हैं वो सब शामिल हैं, कातिल सब सामने हैं, जश्न मनाते हुए। ये सुधीर सिंह यदि पूछा जाए, प्रशासन पूछे, मीडिया वाले पूछे कि आप किस रिश्ते से वहां पर गए हैं बॉडी निकलवाने के लिए, यदि सुधीर सिंह ये बोले कि हमारे दामाद था, तो क्या दामाद के मर जाने की गम ससुर को नहीं होता है? वो 28 तारीख को एक भयंकर पार्टी की है, जिसमें कि मोछ ऐंठते हुए दारू का शीशी और जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिस मतलब कि कहा जाए बेटी के लिए एक मतलब कि दामादी सब कुछ होता है, मतलब मान लीजिए आप ही का बेटी है और आपका दामाद का कुछ हो जाता है तो आपको मतलब कि बहुत कष्ट होता है, लेकिन उनको थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ? नहीं, लड़की भी पूछी है कि पापा आपको कोई गम नहीं है? नहीं बेटा, ओ आप लड़की से ही पूछ लीजिएगा, मैं क्या बताऊं, लड़की से ही पूछ लीजिए वो कितना खुश थे और अपने लड़की से क्या क्या बात बोले हैं, वो लड़की खुद ही बताएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा मामला आप लोग सुन चुके हैं, जो कि इनके बहू थे, इनके बेटे थे और इनके बहू यहाँ पर मौजूद है। चलिए हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि आपके बहू आपके मतलब की सपोर्ट में है ना? बिल्कुल सपोर्ट में है और जानती है कि हाँ हमारे पति का हत्या हमारे माँ बाप ने ही किया है, अनिता और सुधीर सिंह। हाँ, ये गोपाल नगर में जो रहते हैं मनीष सिंह, ये भयंकर खुखार है और वहाँ भी वो इनके पापा सुधीर कुमार वो तो इतने खुंखार है कि जो हमारा बॉडी लेने गया था उनको भी धमकाए थे, डराए थे और इधर उधर इशारा भी करके बुलाए हैं कि चले को मार ओर देंगे, इधर खत्म कर देंगे। वो हमारा इकलौता पुत्र था, उसके सिवा हमारा घर में कोई नहीं। देख सकते हैं दोस्तों बुढ़ापे के लाठी जो कि बेटा होते हैं और बेटा जो इनके जो कि कितना दिन आज लगभग 8-9 दिन हो गया है ना? बिल्कुल 9 दिन हुआ है। 9 दिन हो गया है और 9 दिन में मतलब कि कैसे कैसे ये लोग मीडिया का सामना कर रहे हैं और बहुत मतलब कि एक अंदर से संघर्ष कहा जाए, क्योंकि अपने बेटा का तो गम सभी का रहता है, यहाँ तक तो बोलने का भी मन नहीं करता होगा, लेकिन अपनी समस्या आप सभी के पास रखे हैं तो आप लोग का जिम्मेदारी बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी के पास पहुंचाइए ताकि इस परिवार को न्याय मिले और जो इसमें घटना में जो कि शामिल है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिले। बाकी वीडियो देख रहे थे टार्जन 24 न्यूज से, मैं हूं प्रेम सागर सिंह, धन्यवाद।